अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनुस, और आज जो क्लास में आपको समझाने जा रहा हूँ वो है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन को कैसे यूज़ करना है, कैसे बैकग्राउंड रिमूवल के लिए यूज़ करना है, वो आज आपको मैं समझाऊँगा और डिटेल में समझाऊँगा। तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे हर ट्यूटोरियल की अपडेट मिलती रहे। चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं जो है इमेज ले लेता हूँ। मैंने एक इमेज निकाली है फैशन गर्ल की, वो मैं ले लेता हूँ। ये है इमेज हमारे सामने। तो इसको कैसे हम लोगों ने वो करना है, क्विक सिलेक्शन टूल मैं लूँगा और इस पर मैं सिलेक्शन कर लूँगा। तो इसकी मैं सिलेक्शन बना लूँगा। ऑल्ट प्रेस करके माइनस भी कर सकता हूँ, इसको स्मॉल कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो ये नीचे से मैंने इसकी सिलेक्शन कर ली, ये चीज़ भी होगी सिलेक्ट, ऑल्ट प्रेस करके माइनस कर लूँगा। फिर इसका फेस मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और बाल सिलेक्ट कर लेता हूँ, इधर से भी इसको थोड़ी सिलेक्शन दे देता हूँ। ओके जी, ये चीज़ हमने सिलेक्शन कर ली। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये चीज़ और ये चीज़ सिलेक्शन के लिए हम लोगों को अपने पिछले टूल पे जाना पड़ेगा, पॉलीगोनल पे। पॉलीगोनल क्या करेगा, वो एक शार्प एजेस की तरह है। पॉलीगोनल में माइनस वाले को करेंगे कि वो सब्ट्रैक्ट करें इस एरिया को। ओके, ये उसने सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये इसने सेलेक्ट कर लिया है। मैं इसके बैक के इस तरफ एरिया जो वाइट था उसको सेलेक्ट कर लिया मैंने। तो फिर उसके बाद इसके हाथ वाला एरिया सेलेक्ट कर लिया, मीन्स के ईच एंड एवरी एरिया आपने सिलेक्शन करना है बैकग्राउंड रिमूवल के लिए। क्विक सिलेक्शन टूल को हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि हम जो है रिमूवल कर सकें बैकग्राउंड को ईज़िली। आज एक नई चीज़ मैं आपको सिखाऊँगा साथ साथ कि आपने आज मैं एक नई चीज़ आप लोगों को सिखाऊंगा कि आपने साथ साथ रिफाइन एजेस का कैसे इस्तेमाल करना है, वो चीज़ भी आपको एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। और साथ में ये क्विक सिलेक्शन टूल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके साथ सपोर्ट के लिए हम लोगों को दूसरे टूल चाहिए होते हैं। फर्स्ट करें, ये चीज़ मैंने सेलेक्ट कर ली है। तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट रिफाइन एजेस पर जाना है और स्मार्ट गाइड्स ओपन कर लेनी है। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देना है, इसको मूवमेंट करनी है आपने। तो ये आप देख सकते हैं कि ये चीज़ आपके सामने आ गई है। एक्स्ट्रा जो हेयर्स हैं इसके, वो भी हम ले आते हैं। उसके बाद इस चीज़ को भी कैच आउट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसने आराम से इसको कर लिया, और इसको जितना ज़्यादा आप रखेंगे उतना फ़ायदा है कि ये डिटेल्स जो है आपको मिस नहीं करने देगा। तो इसको डिटेल्स फुल कर लेते हैं, 100% डिटेल्स कर लेते हैं। उसके बाद फीदर अगर आप देना चाहें तो आप फीदर भी इस पर दे सकते हैं, लेकिन फीदर की हमें ज़रूरत नहीं है। हम लोग स्मूथनेस अगर चाहें तो स्मूथनेस इसकी दे सकते हैं।
ओके, ये स्मूथनेस आ गई तो जस्ट इसको न्यू लेयर पे ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। तो उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और इसमें देखते हैं कि ये चीज़ हमारे सामने आ गई है। हम लोग इसको रेज़र से थोड़ा सा एजेस को सही कर लेते हैं। ये चीज़ आपके सामने आ गई तो आपने क्या करना है, गूगल पे डायरेक्ट जाना है और साथ में ये बैकग्राउंड उठा लेता हूँ मैं, इसका इसका बैकग्राउंड कॉपी कर लेता हूँ इसको, और इसको कंट्रोल वी कर लेता हूँ। ओके, कंट्रोल डी करूँगा और इसको बैकग्राउंड को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। और इसको इसके नीचे ले जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसने एडिटिंग करके हम लोगों को दिखाया जस्ट क्विक सिलेक्शन टूल के थ्रू। और अगर आप इसको एक्स्ट्रा जो चीज़ आ रही है, क्योंकि ये इमेज थोड़ी, तो ये पिक्सल रिलेटेड थोड़ी सी इमेज थी, इस वजह से इसमें ये थोड़ा सा इफेक्ट आया है कि हम लोगों को थोड़ा सेट करना पड़ा है। अदरवाइज़ अगर आपकी रेजोल्यूशन किसी इमेज की अच्छी है तो आप इजीली आप जो है ना इस टेक्निक के थ्रू आप उसको एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आपने हमेशा जो भी बैकग्राउंड रिमूव करेंगे उसको मर्ज करने के लिए आपने ब्लर टूल साइड पे ज़रूर यूज़ करना है, ताकि जो है ना वो बैकग्राउंड के साथ, नीचे वाले बैकग्राउंड के साथ आपका ऊपर वाला बैकग्राउंड मर्ज हो जाए। मैं इसको साइड पर ब्लर टूल यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो है ना मर्ज हो जाए। इधर भी मैं यूज़ कर लेता हूँ, ऐसे लगे कि ओरिजिनल है। सेकंड मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं जो है एक और इमेज ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक और इमेज कॉपी करके रखी हुई है अपने इसमें, तो मैं ये वाली इमेज पकड़ के इस जगह पे ले आता हूँ। इससे मैं चाह रहा हूँ कि जो है ना क्विक सिलेक्शन टूल के थ्रू मैं इसको फ़ौरन ही इसको क्विकली सिलेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट ड्रैग करता हूँ और ये सिलेक्शन हो जाती है इसकी। ओके, सिलेक्शन करने से पहले आपने क्या करना है, सिलेक्शन करने से आपने पहले क्या करना है कि इसको कंट्रोल जे कर लेना। कंट्रोल जे से कॉपी निकल आएगी, फिर इसको हाइड कर लेना नीचे वाली को। फिर इसको क्विकली मैं सिलेक्शन कर देता हूँ और इसको एज ए रिफाइन एजेस कर देता हूँ। रिफाइन एजेस करने से आपको पता लग गया इसको 8 रखना है आपने, और इसका साइज़ अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये मैंने साइज़ थोड़ा बड़ा कर लिया, ये मैंने साइज़ थोड़ा बड़ा कर लिया और इसको सिलेक्ट करके इसको इसका मूवमेंट कर लिया, इसको थोड़ा स्मॉल किया साइज़ को, और इसको इसके फेस के इस तरफ करके मूवमेंट कर लिया। तो आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड भी रिमूव हो गया है। इसको ओके कर लूँगा तो ये इसका बैकग्राउंड इसका मैंने रिमूव कर लिया है। तो ये था टूल हमारे पास के टू टाइप्स का। उसके अलावा अगर कोई बिल्डिंग को भी आप चाहें तो वो भी क्विक सिलेक्शन के थ्रू वर्क कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आप, फर्स्ट करें मैं एक बिल्डिंग ले लेता हूँ। ये बिल्डिंग मैं ले आता हूँ, मैं चाहता हूँ ये चीज़ सिर्फ सिलेक्शन में करूँ। मैं जस्ट क्विक सिलेक्शन से इसको फ़ौरन इसको मूवमेंट करूँगा और ये क्विकली सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, ये देखें आप, इसने इसका शेडो भी सिलेक्ट कर दिया। मुझे शेडो नहीं चाहिए तो ऑल्ट प्रेस करके इसको माइनस कर दिया और इसको प्लस कर दिया, माइनस किया, ऑल्ट प्रेस करके माइनस किया, ऑल्ट प्रेस करके, और इसको इस तरह कंट्रोल जे किया तो ये हमारे पास सिलेक्शन निकल आई। तो इतनी सिंपल सी टेक्निक कि आप क्विक सिलेक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और भी काफ़ी टेक्निक्स हैं क्विक सिलेक्शन के लिए। तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जो आदमी उसको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।